नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल नौशेरा में फौजियों के साथ दिवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में केदारनाथ पहुंच रहे हैं। बाबा केदार के दर्शन के अलावा पीएम मोदी यहां केदारनाथ के पुनर्निर्माण से जुड़ी कई विकास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। दरअसल पीएम मोदी ने 2013 की भयानक आपदा से तबाह केदारनाथ के कायाकल्प का प्रण लिया था और अब उनका ये प्रण पूरा होने के करीब है। 7:45 पर केदारधाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदारनाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। आपको बता दें कि कल कपाट बंद होने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के। उसके ठीक पहले पीएम का ये दौरा, 8:35 पर आदि शंकराचार्य समाधि स्थल पर जाएंगे प्रधानमंत्री, वहां पर मूर्ति का अनावरण करेंगे। 9:40 पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का भी उनका कार्यक्रम है और 7:45 यानी कि 7:45 पर केदारनाथ धाम वो पहुंचेंगे। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री रहते हुए 5वीं बार पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तारीख 16 जून 2013, जगह केदारनाथ उत्तराखंड। वो रात कयामत की रात थी। उस रात केदारनाथ में बादल फाड़ तबाही आई थी। तबाही का वो मंजर अगर याद आ जाए तो लोग अभी भी सिहर उठते हैं। करीब 8.5 साल बाद बाबा केदार धाम की सूरत बदल गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि केदारनाथ में किस तरह की तबाही आई थी। सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन पिछले करीब 8.5 वर्षों में केदारनाथ धाम का कायाकल्प हो गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारनाथ धाम एक बार फिर श्रद्धालुओं और सैलानियों से गुलजार हो गया है। तबाही के निशान खत्म हो गए हैं और केदार धाम की शक्ल सूरत बदल चुकी है। सोलह जून को केदारनाथ धाम में जिस कदर कुदरत का कहर बरपा था, जिस तरह प्रलयकारी लहरों ने जल तांडव किया था, उसे याद करके कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि केदारनाथ की सूरत ऐसी बदल जाएगी। ।2013 के जल प्रलय के बाद केदारनाथ धाम में सब कुछ ध्वस्त हो गया था। अगर कुछ बचा था तो वो था भगवान केदारनाथ का मंदिर। कुदरत के ऐसे कहर में भी मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ था। कौन भूल सकता है 2013 की 15-16 जून की उस रात को जिसने तबाही मचा दी थी। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी एक चकित कर देने वाला नजारा भी सब लोगों ने देखा। गौर से देखिए मंदिर को, बाबा केदार का ये मंदिर है, खरोच तक नहीं आई। इतनी तबाही मची, घर बह गए, लोग बह गए, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बनी थी वो सब तबाह हो गई, बह गई, लेकिन बाबा केदार के मंदिर को आंच नहीं आई। इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद केदारनाथ धाम अगर 8.5 साल में इस स्वरूप में आया है तो इसके पीछे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृढ़ संकल्प। वो शपथ जो उन्होंने केदार धाम के पुनरुद्धार के लिए ली थी।
आप देख पा रहे हैं ये केदारनाथ की नगरी है और बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कत्यूरी शैली में बना ये मंदिर और आपको बता दें कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय की ओर से करवाया गया था और इसका जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य गुरु की ओर से करवाया गया था। इसी वजह से इसकी अपनी अलग खासियत, लेकिन 2013 के बाद जो प्रलय यहाँ पर आई थी उसके बाद इस मंदिर को थोड़ी क्षति पहुंची थी, उसके मरम्मती का काम पूरा हो चुका है और अब दुल्हन की तरह सज धर कर ये पूरी तरह से तैयार है और ये बाबा नंदी के दर्शन भी आप इस वक्त कर रहे हैं। मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम को अभेद्य किला बनाने और पूरे तीर्थ क्षेत्र का कायाकल्प करने की ठान ली थी। 7.5 साल के उनके कार्यकाल में केदारनाथ धाम की तस्वीर संवर गई। प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम इस केदारपुरी में किया है। आप देखेंगे कितना चौड़ा कॉरिडोर जहां हजारों लोग खड़े हो सकते हैं, शंकराचार्य भगवान की प्रतिमा का अनावरण होना है, आप देखेंगे उधर सारे पंडों के सारे मकानों का पुनः निर्माण हो रहा है, आप देखेंगे आस्था पथ अलग से तैयार हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा जो उनकी एक आस्था थी, जो उनका एक भगवान केदार के प्रति लगाव था, वो सारा यहाँ नजर आ रहा है। श्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ से अटूट रिश्ता रहा है। प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले मोदी केदारनाथ के भक्त थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मोदी कई बार केदारनाथ आ चुके हैं। 5 नवंबर को पीएम मोदी एक बार फिर केदारनाथ धाम में आ रहे हैं। पिछले 4 साल में तो मोदी 5वीं बार यहां आ रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए केदार धाम में काम तेजी पर है। सरकार के सिपहसालार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का हमारे ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और आप देख रहे होंगे कि बहुत सुंदर काम हो गया है। सैकड़ों करोड़ रुपए यहाँ प्रधानमंत्री जी के कारण यहाँ खर्च हुए हैं और प्रधानमंत्री जी उस दिन यहाँ से पूरे देश के लिए एक संदेश भी देने वाले हैं। यहाँ जितने काम हुए हैं लगभग 2 दर्जन कामों का यहाँ पे विधिवत रूप से जो है उस दिन लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी 5 नवंबर की सुबह केदार धाम में पहुंचेंगे। करीब 3 घंटे वो केदार धाम में बिताएंगे। पीएम मोदी केदारनाथ धाम में पहले चरण में हो चुके कामों का लोकार्पण करेंगे। यही नहीं, मोदी दूसरे चरण में करीब 120 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोदी केदारनाथ धाम में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। मोदी केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि और उनकी मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। शंकराचार्य जी की जो समाधि है उसमें मूर्ति लगी है शंकराचार्य जी की, उसका अनावरण होगा। अगर रास्ता देखें आप तो इस मंदिर प्रांगण से रास्ता 65 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है जो सीधा शंकराचार्य जी की समाधि तक जाता है। वहां से दर्शन करने के बाद, बाबा केदार के एक बार फिर से दर्शन करने के बाद, तब प्रधानमंत्री आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदार धाम में आ रहे हैं और 6 नवंबर को केदार धाम के पट भी बंद हो रहे हैं। बाबा केदार के जो दर्शन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं वो 5 नवंबर को यहाँ पर आ रहे हैं और 6 को भैया दूज है, तो भैया दूज के दिन यहाँ के कपाट बंद होते हैं। तो उसमें जो भगवान केदार का जो स्वयंभू शिवलिंग है उसको पूरी तरह घी से और तमाम जो भस्म से, यहाँ पर भस्म आती हैं, उन भस्मों से बाबा केदार के लिए कंबल होती है, उस कंबल से पूरा इसको एक तरह से ढका जाता है। एक तरह से बाबा 6 महीने के लिए स्वप्न लोक में चले जाते हैं। केदारपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी खुद केदारनाथ मंदिर में होंगे तो देश के बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों में केंद्रीय मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता दर्शन करेंगे। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन को वर्चुअली एक साथ जोड़ा जाएगा।
दिलीप सिंह राठौर, केदारपुरी आज तक। आज केदारनाथ के इस बदले रंग रूप को देखकर भला कौन अंदाजा लगा सकता है कि यह मंदिर एक भीषण तबाही से गुजरा है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर की सूरत बदल गई है। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए ज्यादा जगह बन गई है। आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची नई मूर्ति आ गई है। ऐसे उपाय भी किए गए हैं कि कयामत की लहरें भी केदारपुरी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। केदारपुरी तो बदली बदली से लग रही है। 16 जून 2013 के हादसे से पूरी तरह उबर गई है केदारपुरी। धर्मनगरी अब खूबसूरत पर्यटन स्थली के रूप में भी संवर रही है। प्रकृति की गोद में बसे बाबा केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य जोरों पर है। निर्माण कार्य में मजबूती का खास ख्याल रखा जा रहा है। उत्तराखंड के स्थानीय ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारे पंडे हैं उनके लिए आवास बढ़िया खूबसूरत अच्छे मजबूत उनके लिए आवास बनाए गए हैं और लगभग बीच में मंदिर के सामने 60 फुट से अधिक चौड़ा ये रास्ता बनाया गया है। मंदिर परिसर में जहां पहले बहुत कम लोग बैठ सकते थे आज वहां पर 2,500 आदमी मंदिर परिसर में प्रांगण में बैठ सकते हैं। तो एक बिल्कुल इसको एक आधुनिक नगरी के रूप में इसको विकसित करने का प्रयास किया गया। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण का काम तो तबाही के बाद से ही शुरू हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद काम तेजी से आगे बढ़ा। शुरू में हमने रामबाड़ा से केदारनाथ तक रास्ते का निर्माण किया है। उसके बाद केदारनाथ में 2 हेलीपैड और लिंचौली में 1 हेलीपैड का निर्माण किया है और केदारनाथ में 40 तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण किया गया है और यहाँ पर 3 पुल हमने बनाए हैं और जो मंदिर के सामने जो रास्ता है उसका निर्माण किया गया है और सरस्वती नदी की तरफ यहाँ पर रास्ते का निर्माण किया गया है और अभी मंदाकिनी नदी की तरफ रास्ते का निर्माण चल रहा है और घाटों का निर्माण चल रहा है। जून 2016 में केदारनाथ मंदिर की तरफ तबाही दो तरफ से आई थी। नदियों की प्रचंड लहरें सीधे मंदिर तक पहुंची थी, हालांकि उन लहरों के बीच में आ गई थी मंदिर के पीछे बनी ये भीमशिला जिसने लहरों को दो हिस्सों में बांट दिया था। 2013 के उस हादसे को देखते हुए अब केदारपुरी में ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे अगर फिर कोई प्रलयकारी लहर आए तो वैसी तबाही न मचे। इस लिहाज से यहाँ 390 मीटर एक अभेद्य सुरक्षा दीवार बनाई गई है। सुरक्षा दीवार बनाई गई थी क्योंकि 2013 में जिस तरीके से आपदा के दंश ने पूरे उत्तराखंड के साथ पूरे देश और दुनिया को हिला दिया था वो भुला या नहीं जा सकता। ऐसे में ये सुरक्षा दीवार इसलिए बनाई गई है ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई मुसीबत आती है तो उससे बचा जा सके। केदारनाथ मंदिर के पीछे मजबूत पत्थर की ये दीवार ऐसी है कि अगर कोई लहर ऊपर से आई तो वो सबसे पहले इस सुरक्षा दीवार से टकराएगी और वहीं से पलट जाएगी। शुरू में हमने रामबाड़ा से केदारनाथ तक रास्ते का निर्माण किया है। उसके बाद केदारनाथ में 2 हेलीपैड और लिंचौली में 1 हेलीपैड का निर्माण किया है और केदारनाथ में 40 तीर्थ पुरोहितों के घरों का निर्माण किया गया है और यहाँ पर 3 पुल हमने बनाए हैं और जो मंदिर के सामने जो रास्ता है उसका निर्माण किया गया है और सरस्वती नदी की तरफ यहाँ पर रास्ते का निर्माण किया गया है और अभी मंदाकिनी नदी की तरफ रास्ते का निर्माण चल रहा है और घाटों का निर्माण चल रहा है। केदारनाथ में आई तबाही ने यहाँ मौजूद आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली को भी तबाह कर दिया था।
अब आदि शंकराचार्य की समाधि स्थली का रूप रंग बदल दिया गया है। आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 28 टन वजनी मूर्ति लगाई गई है। आदि शंकराचार्य जी की यहाँ पर समाधि थी और एक धर्म दंड वहाँ पर एक स्थापित किया गया था, क्योंकि आपदा के समय वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई, जिसका वजन 28 टन है। और ये मैसूर के पास ये इस प्रतिमा को बनाया गया है, और बहुत जीवंत है। कृष्ण शिला जो ग्रेनाइट जैसी मजबूत होती है, और एक दक्षिण की जैसी परंपरा है कि वहाँ पर जो प्रतिमाएं बनती हैं वो इसी कृष्ण शिला से बनती हैं, तो उसी कृष्ण शिला से इस प्रतिमा को बनाया गया है आदिगुरु शंकराचार्य जी की, जो लगभग 12 फुट ऊंची है और 28 टन इसका वेट है, और उसको यहाँ पर स्थापित कर दिया गया है। केदारपुरी के पुनर्निर्माण के लिए मोदी सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया, तो वहाँ के कामकाज पर पीएमओ और खुद मोदी की नजर बनी रही। इसके लिए उत्तराखंड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत 2700 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। इनमें से 2300 करोड़ रुपए से सड़कों, पुलों, पहाड़ियों के ट्रीटमेंट, बेघर लोगों के आवासों का निर्माण किया गया। प्रोजेक्ट के तहत 2382 भवनों का निर्माण किया गया। आपदा से ध्वस्त हो चुके 16 किलोमीटर पैदल मार्ग को दूसरी जगह से 18 किलोमीटर का बनाया गया। मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर घाट और चबूतरे का निर्माण किया गया है। केदारनाथ में 400 मीटर लंबे आस्था पथ का निर्माण किया गया है। कभी पीएम मोदी की साधना स्थली गरुड़ चट्टी को केदारनाथ से जोड़ दिया गया है। केदारनाथ मंदिर के पीछे ब्रह्म वाटिका का निर्माण भी किया गया है। बाबा केदार की नगरी का रूप बिल्कुल बदला बदला सा है। बाबा केदार की नगरी केदारपुरी अब पूरी तरह से अपने उसी रूप में आ चुकी है जिस रूप में लोग देखना चाहते थे, और आज एक बेहद खूबसूरत बाबा केदार की इस नगरी को देखने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए एक बार फिर से लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। केदारनाथ धाम अब आपदा से पूरी तरह उभर चुका है। पुनर्निर्माण के 90% काम पूरे हो चुके हैं। केदारपुरी श्रद्धालुओं से गुलजार है। एक बार फिर बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां आने लगे हैं। भीड़ इतनी है कि लंबी कतारें लग रही हैं। यहां आकर इन्हें दिव्य अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। मन में तो बहुत पहले से था, पर यहाँ आकर भी बिलीव नहीं हो रहा कि हम एक्चुअली में दर्शन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सूदनिंग और पीसफुल एक्सपीरियंस है, एंड वी आर एंजॉयिंग इट अ लॉट। बहुत साफ है, यंग ब्लड, लेकिन बाबा के दर्शन के लिए पूरी तरह से जो है तल्लीन है और खुश भी बहुत है। मौका मिला है और इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौर, केदारनाथ आज तक। जून 2013 उत्तराखंड में उस साल लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, जगह जगह बादल फट रहे थे। इसी बीच चौराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया और मंदाकिनी की लहरें प्रलयंकारी बन गई। 16 जून की देर रात जब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, तभी मंदाकिनी की विकराल लहरें पहाड़ से नीचे गिरी और केदारनाथ में तबाही का ऐसा मंजर छोड़ गई जिसे लोग सदियों तक भुला नहीं पाएंगे। कुदरत का कोप, केदारनाथ की वो भीषण तबाही, केदारनाथ में जब हुआ था जल प्रलय, केदारनाथ में जब सब कुछ तहस नहस हो गया था, सोलह जून 2013 की वो कयामत की रात थी जब चौराबाड़ी का ग्लेशियर पिघलकर मंदाकिनी नदी में समा गया
और मंदाकिनी नदी की धाराएं बेकाबू हो गई। मंदाकिनी के प्रलयकारी लहरों ने केदारपुरी को तबाह कर डाला था। पहाड़ों पर ऐसी तबाही कभी देखी नहीं, ऐसी तबाही कभी सुनी नहीं। नदी की लहरों के रास्ते में जो कुछ भी पड़ा वो लहरों में समाता गया। देखते ही देखते पूरी केदारपुरी ही कयामत की लहरों में समा गई थी। केदारनाथ की आपदा में 6,000 से ज्यादा लोग या तो मारे गए या फिर लापता हो गए। 2,141 भवनों का नामो निशान मिट गया। 100 से ज्यादा बड़े और छोटे होटल ध्वस्त हो गए। 4,200 से ज्यादा गांव का संपर्क टूट गया। इनमें 991 स्थानीय लोगों की अलग अलग जगह मौतें हो गई। 11,000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए या मलबे में दब कर मर गए। किसानों की 1,309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में बह गई। 9 नेशनल हाईवे, 35 स्टेट हाईवे और 2,385 सड़कें तबाह हो गईं। 172 बड़े और छोटे पुल बह गए या फिर बुरी तरह से टूट गए। केदारनाथ हादसे से पूरा देश हिल गया था। हजारों तीर्थयात्री जहां तहां फंसे हुए थे। राहत और बचाव कार्य के लिए देश ने पूरी ताकत झोंक दी। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। सैलाब में फंसे हजारों श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया गया। भारतीय सेना के 10,000 जवान, 11 हेलीकॉप्टर्स, नेवी के गोताखोर और करीब 45 एयरफोर्स विमानों को मोर्चे पर लगाया गया। सेना के जवानों ने 1,10,000 लोगों की जान बचाई। यात्रा मार्ग में फंसे 90,000 तीर्थयात्रियों और सैलानियों को सेना ने और 30,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। एक महीने से ज्यादा समय तक राहत और बचाव के काम चले। उस वक्त केंद्र में यूपीए और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गुजराती श्रद्धालुओं को निकालने के लिए 2 करोड़ रुपए की तत्कालिक सहायता भेजी। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा गुजरात के अधिकारियों के साथ रेस्क्यू टीम भी भेजी। मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से बात की, केदारनाथ के पुनर्निर्माण में भागीदारी की पेशकश की, लेकिन राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। उस समय मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। जब कमरे में हम बैठे थे तब उस समय के मुख्यमंत्री सहमत हो गए, सारे अफसर सहमत हो गए। उन्होंने कहा अच्छा है मोदी जी को अगर गुजरात की जिम्मेवारी लेता है। 1 घंटे के भंटर ऐसा तूफान खड़ा हो गया कि राज्य सरकार पे दबाव आया और राज्य सरकार को अधिरुक्त रूप से घोषणा करनी पड़ी कि हमें गुजरात की मदद की जरूरत नहीं है, हम कर देंगे। प्रधानमंत्री जी जब सरकार में भी नहीं थे, संगठन में काम करते थे, तब भी यहाँ महीनों महीनों आकर रहना, ये उनके कहीं ना कहीं उस भावना को परिलक्षित करता है, उस आस्था को परिलक्षित करता है भगवान केदार के प्रति। और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में वो सारा काम करना चाहते थे जो हो रहा है, लेकिन तब अनुमति नहीं मिली। तो शायद भगवान केदार को कुछ और मंजूर था। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के रूप में अब नहीं हम आपको बुला रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ उनको आकर ये सारा काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। संयोग देखिए, केदारनाथ की आपदा के साल भर के भीतर ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने केदारनाथ धाम के कायाकल्प का प्रण ले लिया। अब उनका प्रण करीब करीब पूरा होने की कगार पर भी पहुंच गया है। दिलीप सिंह राठौड़, केदारनाथ आज तक। केदारनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनोखा रिश्ता दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में, आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश।